वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर संतोष कुमार सिंह द्वारा थाना खुर्जा देहात का वार्षिक निरीक्षण के दौरान थाना खुर्जा देहात पहुंचकर गार्ड की सलामी ली गई। इसके उपरांत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा खुर्जा देहात थाना कार्यालय की कोविड हेल्प डेस्क, महिला हेल्प डेस्क, बंदी गृह अभिलेख, बीट बुक रजिस्टर, CCTNS, शास्त्रागार, साफ सफाई, मालखाना, मैस, आवासीय थाना परिसर, थाने में खड़े वाहनों आदि को चेक किया गया। महिला हेल्प डेस्क पर नियुक्त महिला कर्मचारियों द्वारा थाने पर अपनी समस्याओं को लेकर आने वाली महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रार्थना पत्रों के निराकरण, जांच का परिणाम इत्यादि को क्रमबद्ध तरीके से कंप्यूटर में व्यवस्थित करने पर पुरस्कृत किया गया। सर, आज जो ये खुर्जा कोतवाली देहात पर दौरा हुआ, किस वजह में? थाने का वार्षिक निरीक्षण था और इसका उद्देश्य यही है कि थाने के अभिलेखों में, रख रखाव में और थाने के मेंटेनेंस में जहाँ जो कमियां हैं उनको तलाशा जाए और उनको दूर कराया जाए। तो फिलहाल बहुत ही संतोषजनक स्तर का यहाँ का रिजल्ट पाया गया है और विशेष रूप से महिला हेल्प डेस्क के कर्मचारियों ने बहुत ही परिश्रम के साथ जो भी महिलाएँ आती हैं उनसे प्रार्थना पत्रों की उनकी तो के नंबर, जाँच का परिणाम और जाँच के परिणाम की स्कैन कापी, ये सब बहुत ही व्यवस्थित तरीके से कंप्यूटर में व्यवस्थित कर रखा है, जिसके लिए इन्हें पुरस्कृत भी किया गया है और थाने का भी रख रखाव रखा पाया। सर, आज के दौरान में क्या कोई कमी भी पाई गई है? थोड़ी बहुत कमियां थी, वो लोगों को निर्देशित कर दिया गया है, उनको दूर करना है। कमियां हमेशा रहती हैं लेकिन इसके बावजूद कुल मिला जुला के जो थाने का रख रखाव है, अभियान का रख रखाव है, वो अच्छा।